नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का HP टेट JBT का जो है वो पेपर कंडक्ट करवाया गया था बोर्ड के द्वारा। तो जहाँ तक हमें लगा कि पेपर जो है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल और काफ़ी इजी क्वेश्चन, GK पोर्शन तो आपका काफ़ी इजी जो है वो पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने क्लास में भी डिस्कस करवाया था कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, तो बोल्गा रिवर जो है वो यूरोप की सबसे लंबी है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है हमने हिम एग्ज़ाम वालों की साइट से जो है वो लिया है। तो जल्दी से आप लोग अपनी आंसर की जो है वो चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कैपिटल ऑफ मिजोरम, तो मिज़ोरम की जो कैपिटल है आइजोल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हिमाचल प्रदेश का डुंगरी मेला जो है वो आपका कुल्लू ज़िले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने जो है वो छेड़ा था। तो आपने याद रखना है सैमुअल स्टोक्स जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सैमुअल स्टोक्स जो है वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द गेटी थिएटर ऑफ शिमला वाज डेडिकेटेड टू जर्नल, जो आपके पास पब्लिक थी उसको कब दिया गया था, तो 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहार सम्मान स्कीम जो है वो प्रोवाइडेड मंथली पेंशन फॉर, तो ये जो है वो 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, सी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड 2024 में भारत ने एक साथ किस भारतीय ने जो है वो 3 अवार्ड जीते हैं, तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 128 की लोकसभा इलेक्शन जो हुए हैं 2024 में वो कौन सी है, तो 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन इज़ द नेशनल वोटर डे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, 25th of January। नेक्स्ट आता है विच प्लेनेट इज़ नॉन एज रेड प्लेनेट, तो आपका मंगल को जो है वो लाल ग्रह कहते हैं, इसकी जो फुल डिटेल वीडियो है शाम को आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री मुख्य जो आपका सुख आश्रय योजना है इसके अंतर्गत कितनी आयु तक के अनाथों को जो है वो शामिल किया गया है, तो आपने याद रखना है 18 ईयर्स। नेक्स्ट आता है विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मलेरिया फ्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2024, तो मैंने जब हम जो है वो टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे उसमें जो है वो करवाया था, तो केप वर्डे जो है वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट पोस्टल लाइन, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर होम द रिसर्च ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा हाल में खोजे गए बैक्टीरिया का नाम क्या, किसके नाम पे रखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, तो आपने याद रखना है वॉन जो है वो इनकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट देखेंगे CEO ऑफ टेस्ला, तो एलन मास्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश फेमस फॉर छोटी काशी, तो मंडी जो है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति, तो लोसर जो है वो इसका लास्ट विलेज है, IIM जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में जो है वो लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये चंबा में जो है वो आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो 25 जो है वो हाई कोर्ट्स आएंगे। हु बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र, तो आपने बताना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र DGP जो है वो बनी है, तो रश्मि शुक्ला जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, जो आपका नंद वंश था उनके अंतिम शासक थे धनानंद, ऑप्शन नंबर सी बी। नेक्स्ट आता है मनुष्य के शरीर के अंदर टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांगों में पाई जाती है, किस रोग के प्रतिक्षण हेतु जो है वो BCG का टीका, तो TB के रोग के लिए BCG का टीका लगता है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर उत्कों का अध्ययन, यानी कि अंडर फंगी फंगस जो है वो, या फिर फंगाई की जो है वो स्टडी की जाती है उसके अंदर, तो उसको कहा जाता है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी।
और कौन सी गैस है जिसमें जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर रिसेंटली गिवन द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द ईयर 2024, तो इट विल आपका 19 जो है वो राइट आंसर था। तो होपफुली 30 में से आपके जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो आए होंगे, काफ़ी इजी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसकी फुल वीडियो जो है वो आपको जल्दी ही जो है वो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, और शाम को जो है वो हम फुल पेपर भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 7591046600, और ये पेपर जो है वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम को भी आपको हेल्प करेगा, तो थोड़ा सा आप जो है वो इसको ज़रूर देखें।